हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट बन जाता है और स्वाद में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। आम का मुरब्बा बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ली है 2 तोतापुरी कैरी। कच्चे आम को मैंने 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करके इसके छिलके निकाल के इसे इस तरह कद्दूकस कर लिया है। चलिए अब हम कच्चे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा बनाएंगे। अब हम गैस ऑन करके एक पैन गरम करेंगे। यहाँ हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। पैन गरम हो जाए फिर इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें 4 से 5 लवंग डालेंगे। लवंग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। लौंग को ऑयल में अच्छे से सेकेंगे। फिर इसमें हम कैरी का छीन ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से इस तरह चलाएंगे। इसे इस तरह सतत चलाते रहना है ताकि कैरी का छीन पैन में स्टिक ना हो जाए। कैरी के छीन में पानी रहता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाए तब तक इसे इस तरह से सतत चलाते रहना है। ये देखिए पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। फिर इसे 8 से 10 मिनट सतत इस तरह से चलाएंगे। यहाँ शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शुगर कैरी के छीन में अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक इसे इस तरह से चलाएंगे। ये मिक्सर को हम 1 तार की चाशनी तक गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, नहीं तो स्किप करें। लेकिन इलायची पाउडर ऐड करने से आम का मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मिक्सर को हम 1 तार की चाशनी तक गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सर गाढ़ा हो गया है। चलिए चेक करते हैं 1 तार की चाशनी बनी है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए हमारा मिक्सर गाढ़ा हो गया है, हमारा आम का मुरब्बा बनके रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहना है। आम का मुरब्बा ठंडा हो गया है, अब हम इसे 1 बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा खट्टा मीठा और स्वाद में बहुत ही टेस्टी आम का मुरब्बा बनके तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, भाखरी, कुलचा, नान और दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये स्वाद में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे 10 से 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बच्चे को टिफ़िन में रोटी के साथ दे सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए आप शुगर की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आपका मुरब्बा चटपटा, खट्टा मीठा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।